हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि श्वसन तंत्र होता क्या है। सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है। सांस लेने की तथा छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है और इंग्लिश में इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और यह एक ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन का यूज होता है, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है। कि जिस चीज में ऑक्सीजन का यूज हो उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। क्योंकि हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है। और इसमें रेस्पिरेशन में ऊर्जा तथा ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा तो हमें दो चीजों से हमें मिलती है। हम जब सांस लेते हैं लंग्स से, तब मिलती है। और दूसरा, हम जब हमारे ब्लड में ब्लड जहाँ बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तब हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा, हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊष्मा हमें दो कंडीशन में मिलती है, जब हम लंग से सांस लेते हैं, और दूसरा जब शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। और ये एक उपापचयी क्रिया है, यानी कैटाबॉलिक क्रिया है। दो चीजों को जोड़ना कैटाबॉलिक कहलाता है और तोड़ना एनाबॉलिक कहलाता है। अब श्वसन अंग स्तनधारी में लंग्स है, यानी स्तनधारी में ये फेफड़े हैं, इन्हें फेफड़े बोलते हैं। हमारे शरीर में दो जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो हम स्तनधारी फेफड़ों के साथ ले, स्तनधारी में गाय, भैंस, बिल्ली, घोड़ा, एक सब लोग आते हैं। जो स्तन को धारण करता है वो स्तनधारी कहलाते हैं। तो इसमें स्तनधारी में सब लोग आते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब फेफड़ों की सांस लेते हैं। और कीट यानी जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, वो ट्रेकिया सांस लेते हैं। ये ट्रेकिया को हम हिंदी में श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली। लेकिन जो स्तनधारी हैं, जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, जो सब हम लोग फेफड़ों की सांस लेते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट हैं, जो कीट हैं, वो ट्रेकिया से यानी श्वास नली से सांस लेते हैं। जो जलीय जीव हैं, यानी जो पानी में रहते हैं, वो गिल से सांस लेते हैं। गिल्स हम ऐसे समझेंगे, जैसे ये फिश है, तो फिश के जी साइड में यहाँ पे गलफड़े यानी गिल्स को हम उर्दू में गलफड़े बोलते हैं, और गिल्स इंग्लिश में बोलते हैं, और क्लोम हिंदी में बोलते हैं। तो जलीय जीव यानी मछली यहाँ पे उसके मुंह के पास ये गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनसे ब्रीथ करती है, इनसे सांस लेती है, वो फेफड़ों से सांस नहीं लेती। मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मेंढक जब मिट्टी के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, तब वो त्वचा से सांस लेते हैं, और जब वो पानी में होते हैं तो वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। लेकिन जब वो टैडपोल अवस्था में रहते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, नवजात होते हैं, तब वो गिल्स यानी गलफड़े उर्दू में और क्लोम हिंदी में गिल्स से सांस लेते हैं। अब हम जानेंगे श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग क्या होता है। अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ने, इन दोनों क्रियाओं को मिला दिया जाए तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ब्रीदिंग कहलाती है, ना श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। और अंदर लेना को इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहते हैं, और हिंदी में निःश्वसन कहते हैं, और बाहर छोड़ना एक्सपिरेशन, निःश्वसन कहते हैं। इंग्लिश में तो बहुत डिफरेंस है, IN इसमें इंच का और इसमें एक्स का, लेकिन इसमें सिर्फ दो बिंदी का अंतर है। अंदर लेना निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन, और इसमें इंग्लिश में इंस्पिरेशन, इसमें एक्सपिरेशन। तो श्वासोच्छ्वास वो क्रिया होती है जब हम फेफड़ों के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तथा CO2 को बाहर छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।